हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी में। फ्रेंड, आज फिर हाजिर हुआ आपके सामने लेके एक नई ट्रिकी वीडियो। अगर आपने पिछली ट्रिकी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हो। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो उम्मीद करूँगा आज की वीडियो आप अच्छे से देखोगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना और पास लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि हमारी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आज मैं जिन क्वेश्चनों की ट्रिक लेकर आया हूँ वो क्वेश्चन अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स उसको छोड़कर आ जाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स का एक या दो नंबर का लॉस हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इसे ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पता है कि रूट का मतलब होता है 1/2। इसके बाद हमें क्या करना है, इन में जो भी संख्या दी होगी रूट के अंदर उसे हमें यहाँ पर लिख लेना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, रूट के लिए यहाँ पर 2 लिखना है। उसके बाद जितने भी रूट होंगे उतने ही 2 की पावर लगा देनी है, जैसे 1, 2, 3 और 4। रूट कितने हैं, 4। 2 की पावर कितनी लगाएंगे हम, 4। और माइनस में क्या करेंगे, 1, माइनस 1 कर देंगे। और बटे में यही लिखेंगे 2 की पावर 4। बस अब इसे हमें सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे ये जो संख्या है ये यहां पर हम लिख देंगे 2। 2 की पावर 4 को अब जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। 16 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे जो 2 की पावर 4 है उसे सोल्व करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 की पावर 15/16। ये हमारा आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसी तरह से सोल्व करना है हमें। हमें पता है रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। उसके बाद जो भी संख्या है उसे हमें सबसे आगे लिख लेना है। और बाद में क्या करना है, रूट के लिए हम क्या लगाएंगे, 2। और जितने भी रूट होंगे उसे 2 की पावर में लिख देंगे, 1, 2, 3 और 4। तो यानी 2 की पावर हम कितने लिखेंगे, 4। इसके बाद हम क्या करना है, इसके अंदर से हमें 1 माइनस करना है और इसके बटे में क्या करना है, 2 की पावर 4 हमें यहां पर लिख देना है। अब आगे हमें क्या करना है, इसे सोल्व करना है। इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों, जो संख्या है उसे आगे लिखना है। इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2 की पावर 4 यानी 16 माइनस 1 15। बटे में क्या करना है, 2 की पावर 4 को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। तो हमारे पास जो आंसर आ गया, 3 की पावर 15/16। इस तरह से आप बड़ी आसानी से इन्हें कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट टाइप। इसके अंदर हमें क्या करना है दोस्तों, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे वो इन्फिनिट तक चलेंगे, जैसे √5 × √5 × √5 × √5 × √5, और ये सभी रूट के अंदर रूट है और इन्फिनिटी तक चल रहे हैं। तो जब भी इनके अंदर मल्टीप्लाई होगी तो इसका आंसर जो होगा वो वही संख्या होगी जो इनके अंदर लिखी होगी, यानी इनका आंसर होगा 5। इस तरह से ये क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं लेकिन देखने में बहुत ही जटिल दिखाई देते हैं, तो आप इन्हें इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसी टाइप का है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है, तो आपको देखते ही इसका आंसर पता चल गया होगा। जैसे कि हमें पता है कि जब भी रूट के अंदर रूट और सभी मल्टीप्लाई में होगा और इन्फिनिटी तक चलेगा तो इसका आंसर वही संख्या होगी जो रूट के अंदर होगी, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। हमारा नेक्स्ट टाइप है दोस्तों, टाइप नंबर 3। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स इनको देखकर बहुत ही डर जाते हैं,
तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही आसान होते हैं दोस्तों। तो हमें सबसे पहले देखना है कि रूट के अंदर प्लस का निशान आ रहा है और जो संख्या है वो इन्फिनिटी तक चल रही है, तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जो भी संख्या होगी उसे यहाँ पे हमें लिख लेना है और इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जो भी इसके गुणनखंड आए उनके अंदर जो है डिफरेंस एक का रहे, यानी चार और तीन इनके अंदर जो डिफरेंस है वो एक का है और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, जो भी बड़ी संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। अब आपको लग रहा होगा कि बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में देना है, मैं देखूंगा कि कितने स्टूडेंट्स का आंसर है। उम्मीद करता हूं आज की ट्रिकी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिकी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।